बिजनौर के चांदपुर शहर से 200 मीटर दूर ईशा प्लाईवुड फैक्ट्री में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी और आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद कासिम ने थाने में तहरीर देकर कहा कि अज्ञात व्यक्तियों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। आग लगने से फैक्ट्री के मजदूरों में भगचड़ मच गई, साथ ही आग लगने से फैक्ट्री में रखी बिनियर प्लाईवुड लकड़ी मशीन दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए से ज़्यादा है। आग इतनी ज़्यादा थी कि दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्या नाम आपका? मोहम्मद कासिम। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। आपके जो फैक्ट्री में आग लगी कैसा लगी? मैं यहाँ से गया, बस घर तक पहुँचा जी, पीछे से फोन आ गया कि आग लग गई। चौकीदार को ही छोड़ गया था, चौकीदार उधर पता नहीं कहाँ टहलने चला गया। इतनी देर में ही इतनी बड़ी आग लग गई, अब कैसे लगी ये समझ में नहीं आ रही। नहीं लगती तो थोड़ी बहुत लगती, हमारे पास पानी का बहुत स्टॉक था तभी इसे कंट्रोल कर लिया। तो आपकी फैक्ट्री में क्या बनते हैं? प्लाईवुड। अच्छा, प्लाईवुड। कितना नुकसान है ये बताइए? अब ये तो अकाउंटेंट ही बताएगा भाई जी। मैं तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी क्या? तीन गाड़ी आई हमारे पास, वो है ना फायर ब्रिगेड टैंक रखे हुए पानी के अपने, पहले तो हमने उससे कंट्रोल कर लिया जी। कितने फायर ब्रिगेड आ गए?